So hi, Josu, Welcome to you all in my other video. And today's video is about Master of Pharmacy in Australia. So how much? Money you have to spend on the fee, and it is worth to spend the money, you know. So, so many of the students were asking that the fee we are paying, you know, and uh, it is worthwhile, and how many years it will take for me to earn those money and give back to my home country, you know. So, basically, if you are coming uh, for to take admission in Master of Pharmacy in any university in Australia, the fee is about uh, 40 to 50 lakh Indian rupees. AIM is.

ये बहुत सारे लोगों के मन में एक जो है क्वेश्चन रहता है डाउट रहता है कि हम 50 लाख का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि उसके बाद हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी और जॉब मिलेगी तो हम कितने टाइम में वो जो मनी है वो हम जो है उसको रिकवर कर पाएंगे या फिर जो है हमको पीआर मिलेगा या नहीं क्या हम फार्मासिस्ट बन पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में या नहीं कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे मास्टर ऑफ फार्मेसी के बाद भी है ना तो वैसे जो स्टूडेंट होता है बेसिकली अगर आप इस्पेशली अगर आप लो

फार्मेसी की डिग्री इतनी हॉट केक डिग्री नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी क्योंकि यहाँ पर सचुएशन हो चुकी है फार्मेसी के अंदर तो आपको जो है रीजनल एरिया में जाना पड़ेगा मगर मैं कहूँगा हंड्रेड परसेंट जॉब तो मिल जाएगी आपको मगर ये आपके अपने ऊपर है ना तो जॉब को जॉब डिपेंड करती है इंडिविजुअल बंदे के ऊपर ये जस्ट डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आपने डिग्री कर लिया और आपको जो है जॉब मिल जाएगी क्योंकि ये फार्मासिस्ट की जॉब है अगर आपने जो है एम फॉर्म किया फिर उसके बाद में जो है एक और की एग्ज़ाम वो बहुत ही टफ एग्जाम होता है अगर आप वो पास नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको री इंटेक मतलब आपको दोबारा से एग्जाम देने पड़ेगा फिर आपको उसमें पैसे खर्च करने बट बेसिकली वो इंटर्नशिप के टाइम में होता है जैसे आप इन्फॉर्म करेंगे फिर एक साल की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी फिर इंटर्नशिप के, के बीच में ही आपको वो एक एग्जाम एक पास करना है और अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो फिर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर और आपका जो पूरा का जो प्लान था वो चौपट हो जाएगा तो अभी तक जितने भी लोग इंडिया से आते हैं सारे के सारे लोग पास कर लेते हैं कुछ लोग एक बार में कर लेते हैं कुछ लोग को दो बार लग है कुछ लोग को तीन बार लग जाता है मगर सारे के सारे लोग पास कर लेते हैं तो ये इंडिविजुअल बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एम क्या है और वो क्या uh, कैसा परफॉर्म करता है एग्ज़ाम के अंदर मगर आप हमेशा अगर आप डर डर के ही रहेंगे कि अरे रहें, मैंने इतना पैसा जो है इन्वेस्ट किया है और जो है मैं अब ये कर पाऊँगा या नहीं तो फिर आपको जो है ना फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी जो है ठीक नहीं रहेगी तो आपको जो है बहुत ही Uh, जब आपको आने से पहले ही डिसीजन लेना है कि आपके लिए ये डिसीजन सही है या नहीं तो मेरे हिसाब से अगर आप 40 से 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं ये बेसिकली 40 से 50 लाख का जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि आप दो साल तक आप यहाँ रहेंगे खाएंगे तो और भी पैसे आपको खर्च करने होंगे मगर ये है कि आप अगर आप पार्ट टाइम अगर आप जॉब करेंगे तो वो सारे के सारे पैसे आपको रिकवर हो जाएंगे तो जो फीस है वो आपको घर से लानी पड़ेगी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर आते हैं बहुत सारे कोर्सेज में जैसे कि एम हो गया या एम तो फीस बहुत ही कम होती है। होती है, है 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 उसकी फीस 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 अबाउट डॉलर के के आसपास, वो वो लो लोग पर आर्म कर लेते हैं, हैं, और और जो जो एक साल की की अपने अपने घर से देते ईयर करने बाद पे करते हैं। मगर मास्टर ऑफ़ फार्मेसी फीस इतनी ज़्यादा है कि करना और उसके बाद भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी तो इंटर्नशिप को मिलने के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आपने ऑस्ट्रेलिया से इन्फॉर्म किया आपको जो है ईजिली बहुत ईजिली मिल जाएगी ईजिली नहीं मिलेगी बहुत तो स्ट्रगल करना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए भी और उसके बाद फिर पी के लिए सेम प्रोसेस रहेगा अगर आप इंडिया से कैप्स करके जाते हैं वही और वहाँ करने के बाद भी पर ये एक एडवांटेज ये रहेगा कि आपके पॉइंट आप जो है इंक्रीज़ कर जाएंगे तो आपको पी मिल जाएगी हाँ अगर आप आ, और फिर अगर आपकी जो फर्स्ट जॉब लगेगी वो इंटर्नशिप के लगेगी इंटर्नशिप में जो आप जो है आप दो सौ लेकर तीन हज़ार डॉलर के आसपास आपकी सैलरी रहेगी और उसमें आप कितना सेव कर पाएंगे ये आपके ऊपर है तो मोस्टली इतनी यार सेविंग्स नहीं होंगी आपके फर्स्ट ईयर में मगर आप एक बार जब आप फार्मासिस्ट बन जाएंगे तो आप अराउंड में जो है दो डॉलर आप ईजीली सेव कर सकते हैं ना तो ये जो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पचास लाख रुपए का उसके लिए आपको तीन से लेके कर पाँच साल लग जाएंगे वो आपको रिटर्न बैक करने के लिए है ना तो अगर आप लोन लेके आते हैं इंडिया से स्टूडेंट वीज़ा स्टूडेंट लोन लेके आते हैं या आपकी अपनी कुछ कुछ अपना ज़मीन बेच कर आते हैं कुछ भी करके आते हैं तो फिर भी आप जो है ये तीन से ले कर पाँच साल में रिकवर कर देंगे आप फुल्ली उसको पेड कर देंगे मगर आपको अपने ऊपर जो है डिमांड नहीं चाहिए अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप जो है फार्मासिस्ट बन जाएँ यहाँ पर और फिर जो है आपको जो है आगे का जो से वो हो जाए तो यहाँ पर यहां पर जॉब हैं रीजनर बहुत ज्यादा जॉब्स हैं तो मेरे हिसाब से तो जो है ये चालीस पचास लाख का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचें तो ये सही है बहुत सारे लोग स्टूडेंट में से क्वेश्चन करते हैं सर पचास लाख रुपये हम क्यों इन्वेस्ट करें पचास लाख रुपये अगर हम बैंक में डाल दें तो उससे बीस तीस हजार का हमारी जो है जो है इंटरेस्ट आता रहेगा और हम अपनी लाइफ वहीं पर जी सकते हैं इंडिया के अंदर ही तो हम ऑस्ट्रेलिया में क्यों आए पचास लाख का हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें है ना तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है मगर आप जो है या आप इंडिया की लाइफ से और ऑस्ट्रेलिया की लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं आप जरूर है एक पॉइंट ये कि आप यहाँ पैसा अर्न करने के लिए आ रहे हैं पर ये ये यही एक रीज़न नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हंड्रेड टाइम्स जो है इम्प्रूव कर जाएगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं ना तो फिर जो है आप उसके लिए आ रहे हैं आपके जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनकी जो है पूरी एक जो नस्ल है वो पूरी ऑस्ट्रेलियन बन जाएगी और आप ऑस्ट्रेलियन बन जाएंगे बेसिकली है ना तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है आपके लिए आप आइए मैं कहूँगा और आपको जो है इन्वेस्टमेंट बेसिकली करना ही चाहिए इसके लिए मगर आप ऐसा नहीं है कि आप जो है अपना कुछ जमीन बेच रहे हैं आप पास वो ही इतनी एक जमीन थी और आपके पास वही छोटे बहन भाई हैं और उनके पास ऐसा कुछ नहीं बचा है तो एट एंड में यही करने जाऊंगा कि अगर आपके पास इतना पैसा है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप मस्ट इन्वेस्ट करें और मस्ट ऑस्ट्रेलिया में आए और आप फार्मासिस्ट बन जाएंगे यहाँ पर और उसके बाद जो है आप रिकवर कर जाएंगे पैसे के नीचे अब बात यह आती है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो आप अगर रीजनल एरिया में लेंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा वो इसकी फ़ीस भी कम रहेगी और आपके पीआर के चांसेस भी रहेंगे और आपको जॉब भी वहीं पर ही मिलेगी तो रीजनल एरिया में जाइए और वहाँ सेटल हो जाइए और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी तो यू मस्ट कम ऑस्ट्रेलिया तो ये मेरी फाइनल एडवाइस है आपके लिए तो मैं अपनी न्यू न्यू वीडियो बनाता रहता हूँ अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो है इस वीडियो को शेयर करें और आपको अच्छा लगा है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो